यूपी बोर्ड आज हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी करेगा। दोपहर 2 बजे यूपी बोर्ड मुख्यालय प्रयागराज में रिजल्ट घोषित किया जाएगा। रिजल्ट यूपी बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in और साथ ही NIC की वेबसाइट पर भी आप जाके चेक कर सकते हैं। 22 फरवरी से 9 मार्च के बीच में परीक्षाएं आयोजित की गई थी। हाई स्कूल और इंटर को मिलाकर कुल 55,25,308 परीक्षार्थी थे। तो 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आएगा यूपी में और लाखों की संख्या में बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया था और आज 2 बजे नतीजे आएंगे। और प्रयागराज से सर्वेश दुबे हमारे साथ में संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। कानपुर से अमित गंजू और साथ ही लखनऊ से नितिका दीक्षित हमारे साथ में जुड़ गई हैं। सबसे पहले प्रयागराज चलते हैं। सर्वेश, आज रिजल्ट आएगा, यह आज वो दिन है जिसका उन छात्रों को बेसब्री से इंतजार होता है जो लोग एग्जाम देते हैं। बताइए कितने बजे रिजल्ट आएगा और कहां कहां पर जाके, कौन कौन सी वेबसाइट पर जाकर बच्चे आज रिजल्ट चेक कर सकते हैं? देखिए, आज रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी। सबसे बड़ा परीक्षा बोर्ड है यूपी बोर्ड और दोपहर 2 बजे यूपी बोर्ड के मुख्यालय में रिजल्ट घोषित किया जाएगा। 55 लाख। सर्वेश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। कानपुर चलते हैं, अमित गंजू हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अमित, आपके आसपास मुझे लग रहा है बहुत सारे छात्र मौजूद है, जरा बातचीत कीजिए, कितना बेसब्री से इंतजार है 2 बजे का। देखिए अमनदीप जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत के सबसे बड़े बोर्ड यूपी बोर्ड का रिजल्ट कुछ घंटे बाद, कहा जाए उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका, कुछ घंटे बाद उसका रिजल्ट आएगा। इस वक्त न्यूज 18 टीम एक विद्यालय में खड़ी है। देखिए बच्चे कितने अतोत्साहित हैं। पहले चेयर अप कर दीजिए एडवांस में, अपने लिए ताली बजा दीजिए, अपने आप के लिए जोर से बताइए। देखिए पहले जोर से ताली बजाइए, आपकी बजाई कमजोर नहीं पड़ेगा, जोर से चलिए। कितना आप लोग उत्साहित है मैम, रिजल्ट आने वाला है, कितना उत्साहित है? बहुत। घबराहट तो नहीं लग रही? नो। पक्का? नो, पक्का। कॉन्फिडेंस है, अच्छे से नंबर आएंगे? हां। क्या कह रही मैम? अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे से। चलिए सर, आप आइए, क्या कह रही हैं आप? सर, जितने हमने पढ़ाई करी है, जितना हमने लिखा है, उसी के बेस पे हमको मार्क्स मिलेंगे, तो सर इसमें घबराना किस बात का? अरे ताली बजाइए इसके लिए, कितना कॉन्फिडेंस है बच्चे का। वेरी गुड सर, थैंक यू। उम्मीद है अच्छे नंबर्स आएंगे? जी सर, बिल्कुल आएंगे। सर आप आगे आइए, धूप न खाइए, आप इधर आइए। वेरी गुड, इधर आइए। क्या कहेंगे सर आप? सर, हमने एक साल पूरी मेहनत की है, उसके आधार पे हम अपने आप को डेडिकेट करते हैं पढ़ाई के लिए, जिसके लिए जितना समय नज़दीक होता है उतना ही थोड़ा बेचैनी तो होती है, पर जब रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद नंबर के हिसाब से हमें अच्छा लगता है, और नहीं आते हैं तो थोड़ी घबराहट होती है। चलिए ताली बजाइए पहले। सर आप आज आपके चेहरे की खुशी कुछ कह रही है, थोड़ा घबरा आप भी रहे। देखिए सर, हम चाहते हैं हमारे जो शिक्षकों ने साल भर मेहनत की है उसका प्रतिफल उनको अवश्य मिलना चाहिए, हमारे बच्चों के अधिकतम अंक आने चाहिए, हमको बहुत अपेक्षा है अपने बच्चों से। तो बच्चे काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, हालांकि कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं जिसके बाद में जो रिजल्ट है वो ऑनलाइन आप चेक कर पाएंगे। लखनऊ से नितिका हमारे साथ में जुड़ गई हैं। नितिका बताइए, लखनऊ में परीक्षार्थियों में कितना उत्साह है? जी बिल्कुल, देखिए जो मेहनत करी है उसका आज रिजल्ट आने वाला है, इसको लेकर स्टूडेंट्स में नर्वसनेस भी है, एक्साइटमेंट भी है। हम इस वक्त लखनऊ के बाल निकुंज स्कूल में मौजूद हैं। सीधे स्टूडेंट से बात करते हैं क्योंकि इनका रिजल्ट है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतीक दीक्षित है, मैं बाल निकुंज में पढ़ता हूँ। ये बताइए अभी मन में क्या चल रहा है, एक्साइटेड है, नर्वस है, क्या कुछ है? अभी नर्वस फील हो रहा है कि रिजल्ट आने वाला है, एक्साइटेड भी है कि फिर रिजल्ट आ रहा है, पूरी साल की मेहनत का आज पता चलेगा कि कितनी मेहनत करी थी। डर लग रहा है? हाँ, हल्का हल्का डर लग रहा है, एक्साइटमेंट भी हो रहा है। आप बताइए आपका क्या नाम है? अनुराग राठौर। जब एग्जाम देकर आए थे तब और अभी में क्या लग रहा है, क्या लग रहा है कि आज रिजल्ट आने वाला है, डर लग रहा है कि नहीं? डर नहीं लग रहा है, बल्कि मैं बहुत खुश भी हूँ कि आज मेरी एक साल का मेहनत का पता चलेगा, मेरा रिजल्ट आ रहा है। ये बहुत बढ़िया बात है, कॉन्फिडेंस है। आप बताइए जब एग्जाम देकर आए थे कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा डर लग रहा था? मैथ्स। आज उसी का रिजल्ट का वेट है? क्या उम्मीद है? उम्मीद यही है कि पेपर तो अच्छा गया था, मगर रिजल्ट के बगैर कौन कुछ कह नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए आपका क्या नाम है? वैष्णवी शुक्ला, आई एम इन बाल निकुंज इंटर कॉलेज। वैष्णवी, आज रिजल्ट्स आने वाले हैं, क्या मन में चल रहा है, डर लग रहा है कि एक्साइटेड हैं कि जब पता है कि रिजल्ट अच्छा रहेगा?
नर्वस भी हैं, लेकिन रिजल्ट उसी का आएगा जो हम लोगों ने किया है। और जहाँ तक हम बाल्यकुंज की पढ़ाई की बात है, तो उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाई भी किया है और बहुत अच्छा लिखते भी हैं, तो उस हिसाब से रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। जी बिल्कुल, आप बताइए। अनुष्का वर्मा फ्रॉम बाल्यकुंज इंटर कॉलेज गर्ल्स। तो लखनऊ कैसा चल रहा है? मतलब अभी मन में क्या चल रहा है? काफी ज्यादा एक्साइटेड भी नजर आ रहे हैं, हालांकि कुछ बच्चे काफी ज्यादा नर्वस भी है। चलिए झांसी चलते हैं, अश्विनी मिश्रा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अश्विनी, आप बताइए कि झांसी में परीक्षार्थी क्या एक्साइटेड नजर आ रहे हैं या फिर नर्वस है? नहीं, यहाँ पे जो छात्रों में जोश देखा जा रहा है, चाहे छात्र छात्राएं हैं, उन सब में जोश देखा जा रहा है। तो परिणाम आने वाला 2 बजे के आसपास। इस समय में कॉलेज में खड़े हुए हैं, हमारे पीछे देख सकते हैं कि वो छात्र हैं जिनको बेसब्री से इंतजार रहता है, हर साल रिजल्ट आता है उसका। कुछ बच्चों से हम बात कर लेते हैं। ये बताइए बेटा, आप बताइए आज का दिन रिजल्ट आ रहा है, बच्चों के लिए कितना बड़ा दिन है ये? आज का दिन बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारे टीचर ने, हमने, हमारे स्कूल ने अपना बेस्ट दिया कि हम टॉप कर पाएँ और स्कूल का नाम रोशन करें, इसलिए स्कूल का नाम रोशन कर पाएँ। इसलिए सब बच्चे अपना बेस्ट देते हैं कि 10th 12th में अपना फर्स्ट डिवीज़न लाएँ और स्कूल का नाम रोशन। क्या लगता है बेटा, एक साल पूरी मेहनत होती है, इसके बाद फिर रिजल्ट का इंतजार रहता है, तो खुशी तो होती है ना? हम लोग तो बहुत खुशी होती है। और चलिए अब आपको प्रयागराज लेकर चलते हैं, जहां से सर्वेश दुबे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर्वेश, पिछले साल प्रयागराज का रिजल्ट काफी अच्छा था, 94% रहा, इस बार कितनी उम्मीदें हैं परीक्षार्थियों को? लेकिन निश्चित तौर पर प्रयागराज के भी परीक्षार्थी कॉलेज में आप देखेंगे परीक्षा दी है और देखिए तैयारियां यहां पर शुरू हो चुकी हैं। तस्वीरें हम आपको प्रयागराज की दिखा रहे हैं और ऐसे में अब इंतजार काफी बेसब्री से हो रहा है, क्योंकि सिर्फ कुछ घंटे बाकी रह गए हैं, जिसके बाद जिन लाखों की छात्राओं में छात्र छात्राओं ने एग्जाम दिया था, वो अपना रिजल्ट देख पाएंगे। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, और आप ऑनलाइन भी जाकर ये रिजल्ट चेक कर सकते हैं।